मंडी में पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही, बल ग्राम सुधार सभा के अध्यक्ष यशवंत सिंह गुलेरिया आदि ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने दलित पिछड़ों व कमजोर तबके के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई थी वे ठप पड़ी हैं। मकान बनाने के लिए अनुदान राशि पिछले एक वर्ष से नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भवन बनाने के लिए मिलने वाली राशि भी दूसरे मदों में खर्च की जा रही है। कमजोर वर्गों से संबंध गांवों के लिए रास्तों व बावड़ियों इत्यादि के निर्माण को मिलने वाली राशि भी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में 40% नौकरियां इन वर्गों को देने का वायदा किया गया था, लेकिन ये रोजगार नहीं मिल रहे हैं। वहीं छात्रवृत्ति घोटाले ने भी अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग समेत बीपीएल संबंधित अभिभावकों व विद्यार्थियों को ठेंगा दिखाया है। उन्होंने कहा कि अकेले मंडी संसदीय क्षेत्र के करीब 12,000 विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। डिप्लोमा पूरा कर बैठने के बाद भी इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हालांकि इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन बावजूद इसके बच्चों और अभिभावकों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमीरपुर में प्रचार के लिए पहुंचे रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर कांग्रेस के प्रचार की सामग्री को नष्ट करने के आरोप लगाए हैं। रविवार को जिन्यारी, दड़ूही, नालटी आदि क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर पोस्टर फाड़कर चुनाव जीते जाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहूंगा कि वे प्रचार मत करो और घर घर जाकर पोस्टर फाड़ो। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की संकीर्ण मानसिकता है जो कि पोस्टर फाड़कर दिखा रही है। रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं और कांग्रेस की प्रचार सामग्री को परमिशन तक नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कई स्थानीय अधिकारी बतौर आरएसएस एजेंट काम कर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर चुनावों के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावों को हाईजैक करना चाहती है और देश के लिए ये चुनाव काला अध्याय साबित होंगे। अनुराग ठाकुर के बार बार रामलाल ठाकुर की उपलब्धियों पर पूछे जाने वाले सवाल पर रामलाल ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि अभी मैं एमपी नहीं बना हूं और अनुराग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने उल्टा अनुराग से पूछा कि अनुराग बताए कि पिता धूमल सीएम थे तो क्या उपलब्धियां रही। उन्होंने आरोप लगाया कि हमीरपुर की बंदरों की समस्या के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में हमीरपुर में बंदर विहार खोला गया था। ग्राम पंचायत अणु में चुनावी जनसभा के दौरान स्थानीय पंचायत प्रधान सुरेंद्र मिन्हास ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम के विकास को अनुराग ठाकुर ने 1,03,00,000 की धनराशि देकर पंख लगाए थे। पंचायत में सांसद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए सुरेंद्र मिन्हास ने बताया कि पंचायत में 23,00,000 की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सांसद ने 12,00,000 रुपए दिए थे, जिनसे पंचायत में नालियां और सोक टैंक बनाए गए। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 9,50,000 रुपए इस पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग में सांसद के सहयोग से पंचायत में 30,00,000 के विभिन्न विकास कार्य करवा कर उन पर खर्च किया गया। विधायक और प्रशासन के माध्यम से 12,00,000 रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए। वहीं पंचायत के शमशान घाट की समस्या को हल करवाते हुए 1,50,000 रुपए दिया गया और यहां पर विकास करवाया गया है। पंचायत प्रधान ने कहा कि अणु पहली ऐसी पंचायत है जिसको पूर्णतः सीवरेज कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए और सोलर पैनल फिक्स कर रास्तों और गलियों को रोशन करने के लिए सर्वे का काम। We'll be right back.